किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, जो हमने फरवरी माह में अमरूद की कटिंग की वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि जो प्लांटेशन हमने जून 2019 में की थी, उनकी कटिंग करते समय हमने पत्ते गिरा दिए थे। कुछ भाइयों ने सवाल किया कि जी पत्ते नहीं गिराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि पौधे भोजन कहाँ से लेंगे जब पत्ते, चूँकि पत्ते भी भोजन बनाते हैं। बात उनकी भी सही है, लेकिन इस तथ्य में बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए मैं दिखाता हूँ, जिनकी कटिंग हमने 17 फरवरी 2020 को की थी, तो उनकी 28 फरवरी को क्या स्थिति थी और आज 17 मार्च को क्या स्थिति है। पहले इसको देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज 28 तारीख है और ये 10वां दिन है, और मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ कि मैंने, आप देखें, इन सभी के पत्ते गिरवा दिए थे और इनमें कितनी फुटान हुई है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, ये सभी पौधे हैं, ये देखिए ये पौधे हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक पौधे में। इस पौधे को देखिए, ये बहुत कमज़ोर पौधा है, देखिए कितनी फुटान चल रही है इसमें, ये देखिए। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है और जो पत्ते लाल हो जाते हैं बिल्कुल, ये देखिए कितनी फुटान है इसमें, अगर ध्यान से देखें आप इस डंडे को तो बहुत फुटान है। ये मैं अभी दिखाता हूँ, ये केवल 9 दिन का ये है, ये देखिए इस पौधे में नीचे से। अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि इनमें से किस प्रकार सेलेक्शन करना है, और मैंने कुछ मटीरियल इकट्ठा किया है जिसमें मैं यह भी बताऊँगा के कटिंग के कौन से 3 विधि होती हैं, क्या क्या करना होता है। नमस्ते। तो ये देखिए आप कितनी फुटान, फरवरी माह में कटिंग की बात की थी। इस समय अगर आप पत्ते हटा देंगे, क्योंकि पत्ते सभी लाल हो गए थे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कितनी अच्छी फुटान चल रही है इनमें, ये देखिए। और अभी 10 दिन में देखिए इनके पूरे कल्ले हो जाएंगे और ये इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू होंगे, चूँकि इनमें खाद पानी लगाया गया है, बारिश हो गई, ये देखिए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ दूसरे, ये पौधा भी 25 जून की प्लांटेशन है, जिसे हमने इस खेत में विस्थापित किया था, और ये लाइन मैंने बताई थी कि मैंने 15 फीट पर ये पौधे लगाए हैं। अब आप इन पौधों को भी मैं दिखाता हूँ कि इनकी मैं कटिंग करूँगा अगले सप्ताह, और कटिंग के बाद इनमें आपके ये कल्ले निकलने पूरे शुरू होंगे, और इनके भी पत्ते हटा दूँगा। मैंने इनके पत्ते इसलिए नहीं हटाए थे और कटिंग नहीं की थी, क्योंकि ये यहाँ पर एक बार जड़ पकड़ लें, और जड़ पकड़ने के बाद अब देखिए ये इस बात का सूचक है कि इन्होंने जड़ पकड़ ली है, इनमें कल्ले नहीं चल पड़े हैं, ये देखिए ये सब में कल्ले चल पड़े हैं, ये देखिए। ये भी वो पौधे हैं जो आप देखिए चने के खेत में है। मेरा चना खराब हो गया अधिक बारिश की वजह से, पर मेरा मुख्य उद्देश्य आपको ये दिखाना है, ये 17 मार्च की स्थिति है, देखिए कितने अच्छे कल्ले इसमें चल रहे हैं। तो ये कहना कि पत्ते गिराने के बाद इस तरह की फुटान नहीं होगी, देखिए कितने अच्छे कल्ले चल रहे हैं। ये मैं 2-3 ही आपको दिखाऊंगा, ये देखिए पूर्ण रूप से इसमें पूरी फुटान है। मैंने आपको 28 फरवरी की स्थिति भी दिखाई है और आज 17 मार्च की। और किसान साथियों, पिछले 15 दिन में बहुत बारिश हुई, अब 3 दिन से मौसम साफ है, और आज मैं खेत में काम करने के लिए आया। अभी आपने देखा कि पौधों में वांछित ग्रोथ हो रही है, नए नए कल्ले निकल रहे हैं, ये कल्ले और भी अभी तक बड़े हो जाते, अब तक ये शाखाओं का रूप ले लेते अगर पिछले 15 दिन से बारिश न होती। बारिश बहुत हुई है, उससे ठंड का मौसम बना है, और आप जानते हैं ठंड में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अभी पिछले 3 दिन से धूप निकली है, तो मैं खेत में काम कराने आया हूं, और मैंने आज आपको वीडियो दिखाई इसकी के पौधों में किस तरह से। दूसरा काम मैंने ये किया, जो मैंने रीप्लांटेशन किया था पौधों का, जो उधर से निकाल के उस खेत से जिसकी जून 2019 में की थी, इस नए खेत में लगाए थे, चूँकि वो जड़ पकड़ चुके हैं और चल चुके हैं, तो मैंने आज उनकी कटिंग की है, कल उनके पत्ते भी गिराऊंगा सबके।
किसान भाइयों, पत्ते गिराना इसलिए ज़रूरी था, उसके दो कारण थे। पत्ते सब लाल हो चुके थे और पत्तों द्वारा भोजन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पत्ते हरे हों, क्योंकि जब पत्ता हरा होगा तभी उसमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जब पत्ता भोजन नहीं बना रहा तो उसे जब तक पेड़ पर जिंदा रहेगा उसे कुछ भोजन की आवश्यकता होगी, वो भोजन अपने आप पौधे से लेगा। हम ये भोजन वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ऊर्जा जितनी भी है इस भोजन द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो हम नए कल्लों को देना चाहते हैं ताकि वो तेज़ी से बढ़ें, इसलिए हमने पत्ते गिराए हैं। आप निश्चिंत रहिए, इसकी वैज्ञानिक खोज कर ली है हमने और ये वैज्ञानिक रूप से सही तथ्य है। हाँ, जब आपका पौधा 2 माह का हो, बहुत छोटा हो, और हम जब पहली कटिंग करते हैं कि उसे 2 फीट से काटते हैं, उस टाइम आपको पत्ते नहीं गिराने, क्योंकि सब पौधे हरे होते हैं, बरसात का मौसम होता है। ये काम हम फरवरी में करते हैं पत्ते गिराने का, या हम जब करते हैं जब हम सर्दियों की फसल लेते हैं तो हम अप्रैल के अंत या मई के शुरू में जब हम कटिंग करते हैं तब करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी प्रस्तुति कि हमने पत्ते क्यों गिराए हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ा है, मैंने पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसी के साथ खुश रहिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।